मैं आपको आपके पर्स का एक ऐसा उपाय बता रही हूँ जो आपके घर में पैसों का संकट जिंदगी में कभी आने ही नहीं देगा। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपकी अपनी ज्योतिषी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको सभी खुशियाँ दे। मित्रों, मैं एक ज्योतिषी हूँ और 23 वर्षों से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। मित्रों, अभी मैं थोड़ा सा 2 मिनट लूँगी आपके, उसके बाद आपको जानकारी देने जा रही हूँ, तो वीडियो आप स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। आपके बहुत ही काम की बात है। अगर इसको मिस कर दिया तो पैसों का बहुत बड़ा आप जो फ़ायदा देने वाले उपाय हैं ना, उसको आप मिस कर दोगे, तो ज़रूर आप वीडियो पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता रही हूँ आपके पर्स से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, जिसके ज़रिए आप धन को चुंबक की तरह खींच पाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप अपनी कुंडली का परामर्श ले सकते हैं, वो भी मात्र 1100 रुपये में। 1100 रुपये में आप एक सवाल पूछ सकते हैं। ये अवधि 15 जुलाई 2020 तक है। 15 जुलाई 2020 के बाद वही पहले वाली फ़ीस ही आपसे ली जाएगी, तो इसलिए फ़ायदा उठाइए। इसके अलावा एक सवाल आपको पूछना है, कई लोग 4-5 सवाल की लिस्ट भेज रहे हैं, तो मेरा निवेदन है कि कृपया एक ही सवाल आप भेजें, इससे अधिक सवाल आप ना भेजें, क्योंकि सवाल एक ही सवाल का जवाब दिया जाएगा आपको। इसके अलावा पति पत्नी संबंधी जो मैटर है, उसमें पति के 1100 और पत्नी के 1100 अलग अलग आपको जमा कराने हैं। अभी बहुत से लोगों ने ऐसी कुंडलियाँ भेज दी जिसमें उन्होंने दोनों का ही पूछा और पैसा 1100 जमा कराया। हमने लिहाज रखते हुए जवाब तो दे दिया है, लेकिन अगर पॉसिबल हो तो वो जो 1100 आपके बचे हुए हैं वो आप वापस जमा कराएं, क्योंकि हमने दोनों का ही कुंडली देखकर आपको जवाब दिया है। अब मित्रों, ये आपकी ईमानदारी पर है, हमने तो सिर्फ बात कह दी, आगे आपकी इच्छा। अगर आप जमा कराते हैं तो ठीक है, नहीं कराते तो भी ठीक है, लेकिन हमने आप दोनों की ही कुंडली, मतलब आपने आपको 2200 जमा कराने थे, उसमें आपने 1100 में ही सवाल पूछ लिए, तो मेरा निवेदन है कि बाकी के 1100 भी आप जमा कराएँ। मित्रों, अब मैं बताती हूँ आपको आज की जो जानकारी है। मित्रों, आपको क्या करना है, आपको ऐसा पर्स शुक्रवार के दिन खरीद के लाना है, या तो गुलाबी कलर का या इस तरह के कलर का, गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ बहुत ही सुंदर सा पर्स लेकर आओ। पोटली भी चलेगी, जो पोटली बैग आते हैं ना वो भी चलेंगे, तो इस तरह का आप लेकर आओ। और उसके अंदर आपको रखना क्या है वो सुनो आप। सबसे पहले तो लक्ष्मी जी के जो चरण पादुकाएं हैं वो आप इसमें रखो। अगर आपको कहीं से बिल्ली की जेर मिल जाती है, जो कि नेचुरली मिले, क्योंकि कई लोगों के पास होती है बिल्ली की जेर असली होनी ज़रूरी है, और उसको बिल्ली को सताए बिना ही लेना है, क्योंकि वैसे बिल्ली सहज रूप से जब प्रसव करती है तो झिल्ली निकल कर आ जाती है, तो इसलिए उसमें बिल्ली को कोई दिक्कत नहीं होती है, और बिल्ली की जेर में कोई किसी प्रकार का कष्ट किसी को भी नहीं होता है, क्योंकि हम अपने चैनल के माध्यम से तांत्रिक क्रियाओं के लिए किसी भी जीव जंतु को सताने की सख्त निंदा करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको यही कहते हैं कि सहज रूप से अगर बिल्ली की जेर आपको मिल जाए तो वो इसमें ज़रूर रखें। इसके अलावा इसमें आप थोड़ी सी सुगंध जरूर रखें, और थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़ी सी हल्दी की एक पोटली लाल रंग के कपड़े में बांधकर रख दीजिए, बस आपके पास में पैसा आने लगेगा।